जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग्स में। तो आज हम जाने वाले महालक्ष्मी टेंपल जो धानु में, और साथ में मेरा भाई और मेरे दोस्त भी है, और साथ में एक और पार्टनर है हमारा जो है हमारी धन्नो। आज ये बेसिकली ट्रेवलिंग ब्लॉग है, तो चलते चलते आगे का व्यू हम आपको देते। अभी हम लोग सीगा रोड पे आ चुके हैं और करीब यहाँ से है ना अभी 18 किलोमीटर दूर है। तो अभी चलिए देखते हैं आगे का सीन। और यहाँ पे सीन देखो गाइस, क्या सीन है। और ये मेरे दोस्त लोग, मेरा भाई, और आवाज पूरा मचा रहे। तो अभी हम लोग एना रोड पे आ गए और यहाँ पे आपको बोर्ड भी दिख जाएगा जहाँ पे चोरोटी के लिए 19 किलोमीटर दिखा रहा है, वानगांव 8 किलोमीटर इधर से। अभी हमने एना क्रॉस किया है और अभी हम धानु जवार रोड पे, तो आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ से करीब 9 किलोमीटर और है महालक्ष्मी टेम्पल, तो अभी चलते हैं हम। पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं मुंबई अहमदाबाद हाईवे है और यहाँ पे हम एंटर होने वाले हैं अभी। और यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर दूर है महालक्ष्मी टेम्पल, तो चलिए चलते हैं अब। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी दुकानें हैं, तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो हम भी यहाँ से एक प्रसाद लेते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। तो देख सकते हैं ये मंदिर का एंट्री है, एंट्रेंस है यहाँ पे, और हम लोग भी आ गए अभी एंट्रेंस के पास। तो अभी चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस, आपको मंदिर के अंदर भी यहाँ पे दुकानें मिल जाएगी, यहाँ से आप प्रसाद की थाली ले सकते हो। अभी हम लोग मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे वीडियो नहीं शूट करना स्ट्रिक्टली मना है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स कवर करने के लिए। तो हम लोग मेन मंदिर के गेट पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और तो आपको हर थाली में कमल का फूल मिलेगा, क्योंकि माना जाता है यहाँ पे माता को कमल का फूल बहुत ही पसंद, मतलब अच्छा लगता था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है। यहाँ पे लिखा है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है, सख्त मना है। फिलहाल अभी हम बाहर से देख रहे हैं थोड़ा मोड़ा। अभी मेरा भाई और मेरा दोस्त अंदर जा रहे हैं, पर यहाँ पे अभी कैमरा अलाउ नहीं है, तो फिलहाल मैं अभी बाहर से थोड़ा मोड़ा व्यू दिखाता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर भी है यहाँ पे एक छोटा सा। फिलहाल अभी हम लोग मंदिर के पीछे के साइड में हैं और यहाँ पे आपको मैप मिल जाएगा। और महालक्ष्मी टेम्पल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे महालक्ष्मी हिल है, जिसको महालक्ष्मी गढ़ भी कहा जाता है। और इसके बाजू में आपको पूरा महालक्ष्मी टेम्पल का डिटेल दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं रोक कर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैठने का जगह मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी बैठने का जगह है। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, फिर आपको चलते आगे का थोड़ा मोड़ा दिखाते व्यू। तो गाइस देख सकते हैं आप मेरे पीछे मंदिर, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता जी का स्थापना नहीं हुआ है, यहाँ पे माता जी स्वयंभु है। और ये मंदिर को करीब 1306 में बनाया गया है कि कोली किंग जयभाई मुखी के द्वारा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का व्यू। स्वयंभू का मतलब ये है कि यहाँ पे माता जी जो है वो खुद से प्रकट हुए। तो गाइस आप देख सकते हैं आज मंदिर पूरा खाली खाली लग रहा है, और माना जाता है कि फ्राइडे के दिन माता जी का दिन होता है, और उस दिन यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है, और संडे के दिन भी बहुत ही भीड़ रहती है क्योंकि सारे जनों की छुट्टी रहती है इसलिए। तो फिलहाल तो अभी पूरा मंदिर खाली खाली है, और यहाँ पे आप ठंडी में आओगे या फिर सॉरी नवरात्रि में आओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 दिन का भव्य मेला लगता है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है। और 15 दिन के लिए यहाँ पे मंदिर में इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ पे आप दर्शन करने के लिए आपको बहुत ही बड़ा बड़ा लाइन लगाना पड़ेगा। गाइस आपको यहाँ पे आराम करने के लिए जगह भी मिल जाएगा, और यहाँ पे साइड में आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखो ये आ रहा है, एक ये बंदा, ये मेरा दोस्त है, दोनों मस्ती कर रहे हो। फिलहाल हम यहाँ पे रेस्टिंग, थोड़ा आराम करने के लिए आए हम लोग। अगर आप लोग खाना पीना लाते हो तो यहाँ पे बैठ के खा सकते हो, यहाँ पे बहुत जगह है यहाँ पे बैठ के खाने के लिए खाना। ये देखो ये दोनों को आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मंदिर के सामने एक शनि देव की मूर्ति भी रखी हुई है, और यहाँ पे करीब 108 दिए हैं एक पिलर में, मतलब टोटल दोनों का मिला के 216 दिए है। गाइस हमने फाइनली अभी दर्शन कर लिया है, और अभी हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी देख सकते हैं, और आपको अभी बाहर का भी व्यू देते हैं हम, बाहर क्या क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए क्या है वो सब आपको बताएंगे अभी आगे वीडियो में। और मंदिर के सामने यहाँ पे आपको चप्पल स्टैंड भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप चप्पल रख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस मुंबई से करेंगे ये महालक्ष्मी मंदिर 85 किलोमीटर दूर है, और अगर आपको धानू से आना है तो धानू से 27 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और यहाँ पे आप रुकने के लिए सोच रहे तो यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करके आप जा सकते हैं एक ही दिन में। अभी दर्शन हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं, और हम लोग बोईसर से आए थे, बोईसर से धानू और टेम्पल मतलब महालक्ष्मी टेम्पल आपको 42 किलोमीटर दूर पड़ेगा। पूरा खाली खाली लग रहा है, देख सकते हैं पूरा एम्प्टी। तो गाइस आपको यहाँ पे नाश्ते में लोकल फूड ही मिलेगा, जैसे कि वड़ा पाव, मिसल पाव, और भी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी आपको खाने के लिए। तो गाइस आपको मंदिर के पीछे छोटा सा मार्केट भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ताज़ा ताज़ा फल भी मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे शॉप है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अन्नपूर्णा भोजनालय भी मिल जाएगा, जहाँ पे भोजन कर सकते हो, और यहाँ पे कभी कभी भंडारा भी रखा जाता है। कभी भी महालक्ष्मी आओगे ना तो यहाँ महालक्ष्मी के पेड़े ट्राई करना, और कलाकंद तो बिल्कुल ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी रहते हैं। अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस हम लोग मंदिर के बाहर आ गए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं यहाँ पे मेरा ब्लॉग खत्म करता हूँ, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उसके लिए बाय बाय, सी यू।